फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले 13 से 14 सितंबर के दिन जब एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर हेरोल्ड पैलेस के जुपिटर के चांद आयो की शैडो को कैप्चर कर रहे थे, मींस वो उस समय जुपिटर पे आयो के इक्लिप्स को कैप्चर कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। उन्होंने जुपिटर में एक ब्राइट फ्लैश को देखा। उन्होंने बताया कि जुपिटर पे सडनली एक ब्राइट फ्लैश ने उन्हें सरप्राइज कर दिया। ये फ्लैश किसी इंपैक्ट का ही हो सकता है। उन्होंने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। ये इंपैक्ट 13 सितंबर की रात 10:30 बजे के करीब दिखाई दिया था एंड इसे 2 सेकंड तक ही देखा जा सका। उसके बाद ये जुपिटर के एटमॉस्फेयर में विलुप्त हो गया। फ्रेंड्स, स्टडीज के अकॉर्डिंग ये कोई एस्ट्रॉयड या कॉमेट हो सकता है जिसका आकार लगभग 100 मीटर तक होगा। वेल, ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी जुलाई 1994 में कॉमेट शूमेकर लेवी 9 के जुपिटर से इंपैक्ट को कैप्चर किया गया था। फ्रेंड्स, हमें यहाँ से हमारा स्पेस जितना शांत और सुंदर दिखाई देता है, ये उतना है नहीं। वहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। वेल, हमें जुपिटर के लिए हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए क्योंकि वो अपनी ग्रेविटी से सारे खतरनाक एस्ट्रॉयड को अपनी तरफ खींच लेता है और उन्हें होल्ड करके रखता है। अगर जुपिटर नहीं होता तो ये सारे खतरनाक एस्ट्रॉयड्स हमारी धरती से टकराते। जुपिटर को इन एस्ट्रॉयड से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी धरती 100 मीटर के एस्ट्रॉयड से जरूर तबाह हो सकती है। सो बी थैंकफुल फॉर जुपिटर एंड सब्सक्राइब मनीवर्स फॉर न्यू अपडेट्स ऑफ यूनिवर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।